क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु कैसे बने तिरुपति बालाजी और क्यों विष्णु भगवान को लेना पड़ा कुबेर जी से कर्ज? प्राचीन कथा के अनुसार एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा विष्णु महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी उस समय विष्णु जी की भक्ति में लीन थे। तत्पश्चात वह शंकर जी के पास पहुँचे, किंतु उनसे भी उनकी भेंट ना हो पाई। फिर महर्षि भृगु बैकुंठ धाम पधारे और आते ही शेष शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु जी के वक्ष स्थल पर माँ लक्ष्मी का वास स्थान है। भगवान विष्णु ने क्रोध करने की जगह तुरंत भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए और पूछने लगे कि ऋषिवर, पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु ने इतना कहा ही था कि भृगु ऋषि ने हाथ जोड़ लिए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। विष्णु के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। लेकिन इस अपमान से देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थी। भगवान विष्णु के कुछ ना कहने पर देवी लक्ष्मी नाराज हो गई। नाराजगी इस बात से थी कि भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया। नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई। फिर भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने तब धरती लोक पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के पास विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर लक्ष्मी जी से माफ़ी मांगी। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने के लिए विष्णु जी ने कुबेर जी से धन उधार लिया। इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर जी से कर्ज लेते वक्त भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वह आपका सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी जाता है और वहां जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह ना केवल अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।